निघासन के कोतवाली क्षेत्र के ग्राम भजनपुरवा निवासी उमारास मोरिया की मोबाइल चोरी के आरोप में गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतका की मां की तहरीर 5 लोगों पर हत्या सहित अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था, लेकिन भजनपुरवा निवासी रमेश मोरिया श्री प्रकाश मौर्या पुत्रगण बिहारी को इस बात का पता नहीं था। पुलिस ने जब गिरफ्तारी की तो आरोपियों के परिवार वालों के होश उड़ गए। हत्या में फर्जी तरीके से फंसाए जाने का विरोध करते हुए पूरा परिवार निघासन के मुख्य चौराहे पर धरने पर बैठ गया। कहाँ धरने बैठी हो? मैं बैठी हूँ। नाम लड़के का श्री प्रकाश। वो दिन कहाँ रहा है? मधुरी बाजार। कई बजे गवा रहा है? 12 बजे। वापस कई बजे आ रहा है? वापस आवा है 9 बजे। लड़के का नाम है? श्री प्रकाश। माया राम के यहाँ फसाएदीन फसाएदीन है, मारी डार दीन है, हमारे बेटा घर से गए नहीं। तो उस दिन बाबूजी को 5 ठोकत रहे। कौन 5 ठोकत रहा है? हम लोग खुदे ठोकत रहे। तुम्हारे साथ कौन रहा है? रमेश रहा है संग में। कहाँ रहा वाला है? भजनपुरवा के। अच्छा, ट्रैक्टर वाला है, वो ट्रैक्टर उठता है खाद में भरी। अच्छा, उसका नाजायज फंसा हुआ है? हाँ, उसका नाजायज तो फंसाने का हुआ, दोस्त बढ़ रहा तो मार करते खाना हुआ। अच्छा, कब कब तक रहा तुम्हारे साथ? हमारे साथ में 8 बजे से ना 4 बजे तक रहा। शाम के यहाँ? शाम के ही। अच्छा अच्छा अच्छा, तो को फंसा दिया है ऊपर? नाजायज तो फंसा ही नहीं। अब कौन फंसा दिए? अब वह लोग फंसाए नहीं हुए जिनके घर मॉडल हुआ है।